है गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मतलब मैं जयपुर में इस टाइम हूँ और अब जा रहा हूँ हवा महल देखने। और आप अगर जयपुर रेलवे स्टेशन से नियर बाय कहीं पे रहते हैं तो आप सबसे अच्छा है हवा महल घूमने के लिए आप आ जाइए जयपुर मेट्रो स्टेशन और यहाँ से सीधा स्टार्ट करिए, क्योंकि बड़ी चौपट में स्टेशन है मेट्रो स्टेशन, वहाँ से हवा महल नज़दीक ही पड़ेगा, जिसका फेयर 12 रुपये रहता है। तो हमने कई बार इधर उधर ट्राई करके पता कर लिया, बट हमको कहीं नहीं, क्योंकि कहीं 40 रुपये के 50 रुपये, ओला उबर भी देख ली, बस सबसे अच्छा है 12 रुपये में आपको पहुँचा देगा। और गाइस, ये रहा बड़ी चौपाटी की ओर जाने वाला प्लेटफार्म नंबर 1। सो गाइस, हमारी बड़ी चौपट आ चुकी है, यहाँ से उतर के चलते हैं सीधा हवा महल की ओर। ये मेट्रो स्टेशन का बोर्ड है, आप लोग इसे पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं सीधा। गाइस, मेट्रो से निकल कर बाहर आ चुके हैं, मेट्रो के जस्ट बगल में मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे हवा महल है मेरे पीछे, आप लोग देख सकते हैं। और मेरे सामने देख सकते हैं काफी फॉरनर्स यहाँ भी आए हुए हैं। और गाइस, ये रहा इसका एंट्री गेट, आप उसी रास्ते पे सीधा चलते हुए आएंगे तो लिखा मिल जाएगा हवा महल का रास्ता, इस तरफ सीधा जाना है। और फिर ये नोटिस लग जाए मिल जाएगी जो इस तरफ जाना है, क्योंकि काफ़ी अंदर बना हुआ है। और गाइस, हवा महल का रास्ता दो तरफ से है, आप लोग कभी भी आइए तो सामने से भी आ सकते हैं, पीछे से जो कि उधर बूझना पड़ सकता है, इधर नहीं, मेरे पीछे देख सकते हैं सीधा रास्ता आया हुआ है। और गाइस, ये रहा हवा महल का टिकट घर। सो गाइस, फाइनली मैंने टिकट ले लिया है, अब चलते हैं सीधा महल के अंदर। गाइस, आपको यहाँ से टिकट लेना है सामने और फिर इधर से एंट्री मारनी है अंदर ऊपर। गाइस, ये रहा महल सामने आप लोगों को दिख रहा होगा और इधर का अनंत कॉरिडोर, कृपया इस तरफ से पधारें। चलिए फिर चलते हैं। और ये कुछ इसके बारे में इतिहास लिखा हुआ है, आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। फिर एक गेट है जिससे एंट्री मारना है अभी। लीजिए तो आपके सामने पैसे हवा महल। एंट्री इस तरफ से, ऐसे यहां से चलना है सीधा ऊपर घूमते हुए। इधर एक मंजिल का छत है, देख सकते हैं आप लोग। और शायद गाइस, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये सामने जो दिख रहा पहाड़ी के ऊपर, ये आमेर का किला हुआ। पूरे महल में आपको ऐसे छोटी छोटी हजारों खिड़कियां मिल जाएंगी, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये वाली तो लॉक है। चलो इसको दिखाते हैं, इसको ओपन है, यहाँ से दूर का नज़ारा पूरा ले सकते हैं। यहाँ ऐसी हजारों खिड़कियां आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी सीधा इसके अंदर। साइड में गाइस भी ऐसी खिड़कियां और ये बने हुए हैं। गाइस, चलते हैं अब इसके ऊपर जो कि इधर से रास्ता। गाइस, चलते हैं। और गाइस, इसको हवा महल इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ हर जगह आपको हजारों की संख्या में खिड़कियां देखने को मिल जाएंगी। जिस तरफ भी देखोगे छोटी छोटी सी खिड़कियां मिलती ही रहेंगी आप लोगों को। दूसरा पार्क
और डस्टबिन भी यहाँ रखे मिल जाएंगे, जिसमें आप लोग अगर कोई गंदगी करते हैं तो सीधा डस्टबिन में ही डालें। ऐसे आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे, और ये जो छोटी छोटी सी खिड़कियाँ हैं, रानी अपने राजाओं को यहीं से देखा करती थी। कहा जाता है जमाने में ना लाइट थी ना ही तो होता, तो महल को चमकाने या मतलब अच्छा दिखाने के लिए रंग कलर शीशे यहाँ पे लगाए गए हैं, जो कि जिससे महल अति सुंदर लगे। यहाँ ऊपर आके थोड़ा अच्छा हमको लग रहा है, क्योंकि ऊंचाई से देखने में भी अच्छा लग रहा है, और इधर कुछ आर्किटेक्ट अलग से बना हुआ भी है, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। इसके भी ऊपर जाने के लिए रास्ता, बट वहाँ पर फ्लोर नहीं, बस ऐसे नॉर्मली बनाया गया है। ये ना इससे चलते हैं ऊपर, जो कि एक साथ में एक ही बंदा यहाँ से चढ़ सकता है। अब यहाँ से पूरे जयपुर सिटी का नज़ारा आप लोग ले सकते हैं। हमारे पीछे जो छिद्र देख रहे हैं, इससे बहुत अच्छी हवा आ रही है, क्योंकि जैसे कूलर से हवा नहीं आती वैसे बहुत अच्छे से हवा आ रही है, इसीलिए इसको हवा महल साथ बोलते हैं। इसमें जिसे आमेर का किला बता रहा था वो मैं गलत था, क्योंकि ये आमेर का किला नहीं है, नाहरगढ़ है। और ये सामने रहा जंतर मंतर, ये दर्रा सिटी पहले हुई, जो कि यहीं से दिखा रहे हैं, वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ का टिकट लगता है, टिकट के लिए इतने पैसे होने चाहिए। गाइस चलते हैं हम नीचे के, ऊपर का पूरा मैंने कवर कर लिया, और भी कुछ होगा दिखाने तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। और गाइस राजस्थानी ट्रेडिशनल म्यूजिक का प्रोग्राम यहाँ पे होता रहता है। तो गाइस स्पॉट के अंदर ही आपको मिल जाएगी कैंटीन, जो कि इसकी रेट लिस्ट रही। तेरा सामने बाहर जाने का रास्ता, जो कि हमको भी अब बाहर चलना है, चलिए बाहर चलते हैं, क्योंकि इसमें इतना ही कुछ था दिखाने के लिए। अब यहाँ पे पता करते हैं पिंक सिटी कहाँ पे, देखते हैं अगर बगल में हुआ तो पिंक सिटी आप लोगों को दिखाते हैं। चुस्पान कच्छ इस तरफ से एग्जिट, अलग काफ़ी कलाओं से ये बनाया गया है। एग्जिट की तरफ से आप आते हैं तो इस तरफ आप देख सकते हैं, ये रहा मूर्ति घर, जो कि आप लोगों को मूर्तियाँ ये मूर्ति कला दास, सामने काफ़ी अलग अलग और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। नॉलेज लेना तो आप वीडियो पोस्ट करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो वैसे मैं ये बताना भूल गया था कि यहाँ पे जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं, ये काफ़ी पुरानी शताब्दी मतलब शताब्दियों की मूर्तियाँ हैं। मेरे पीछे जो मूर्ति देख रहे हैं ये 10वीं शताब्दी की मूर्ति है, हारनाथ शिखर। अब ये इतनी पुरानी मूर्तियाँ हैं, फिलहाल ये राजस्थान के पत्थर से या कहीं अलग पत्थर से बनी है तो मेरे को पता नहीं है, इसे ये पत्थर से एक काट कर बनाई गई हैं, लेकिन ये काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ हैं। ये रही 18वीं शताब्दी की मूर्तियाँ, ये रही 17वीं शताब्दी की मूर्तियाँ। तो राह ढूंढ लेते हैं रास्ते मगर खो जाते हैं। आप इस वाले गेट से भी आप लोग आ सकते हैं, सामने गेट दिख रहा है, ये मेन रोड से वो भी मेन रोड से है, लेकिन वो घूमते हुए आना पड़ता है, इधर सीधा मेन रोड से ही गेट है। गाइस टाइमिंग प्लस हवा महल 9 बजे से 6:30 बजे तक खुला रहता है। गाइस मेरे पीछे देख सकते हैं गेट से निकलते हैं, जैसे बाहर मैंने निकला, यहाँ पूरी दुकानें देख रहे हैं सभी पिंक कलर में है, इसीलिए इसको पिंक सिटी भी बोला जाता है। चारों तरफ की दुकानें आप देख सकते हैं, अभी बैक कैमरे से आप लोग दिखा रहे हैं। ऐसा कि कोई भी दुकान देख लोगे सारी दुकानें यहाँ पर पिंक कलर की ही है, इसीलिए इसको गाइस पिंक सिटी भी बोला जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब प्लीज़। मैं भारत यात्रा कर रहा हूँ, अगर मेरी लोकेशन आप जानना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो 3-4-5 दिन बाद आते हैं, तो आप मेरी लाइव लोकेशन जानना चाहते हैं तो सीधा आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मैं मेंशन कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम मेरा आईडी का नाम है पवन ब्लॉक्स 628, तो प्लीज़ आप लोग जाइए फॉलो करिए।